इधर पे बहुत ही सारा भूत भूत आत्मा वगैरह होगा भाई। ओ माय गॉड। हेलो मेरे दोस्तों, मैं फिलहाल अभी हूँ काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो गाइस, काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको बहुत ही शानदार तरीके से व्यू दिखाने वाले हैं। सारे लोग आपको मिलेगा, देखने के लिए वाइल्ड हॉर्न राइनो, एलिफेंट और सारे सारे बहुत ही कुछ एनिमल आपको इधर पे देखने को मिलेगा। तो गाइस, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आप सभी को फिर से और एक बार स्वागत करते हैं। और इस वीडियो का आज जो टॉपिक होने वाला है भाई, बहुत ही एक कमाल वाला धमाल वाला धांसू धमाका होने वाला है। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखियो। लगभग 10-15 दिन हो गया ऐसे मेरा चैनल में वीडियो नहीं आ रहा था। उसका रीजन मतलब कुछ ऐसा है, मेरा तबीयत थोड़ा खराब था गाइस। तो आज निकल के आया हूँ तो एक दूर एक लॉन्ग राइड का सफर के लिए। तो ये कोई प्लान ट्रिप नहीं है, हमारा अनप्लान है। तो गाइस देख सकते हैं इधर पे मेरा बैग, और मेरा बैग में क्या है आपको दिखा देता हूँ। मेरा बैग में है ये वाला स्वेटर, और साथ में मेरा स्कूल का शर्ट और मेरा कॉपी पेन वगैरह। तो गाइस, ये सब इसीलिए है कि मैं आया था कॉलेज, और कॉलेज से जाने वाला था तेजपुर में कुछ काम के। मतलब भाई अभिषेक तू भी चल मेरा साथ। तो गाइस, हम दोनों निकल के आया था तेजपुर के लिए, और तेजपुर से हम जा रहे पता नहीं कहाँ जा रहे। तो गाइस, अभी तक तो हम तेजपुर नहीं पहुंचा, लेकिन तेजपुर पहुंचने के बाद तेजपुर से और हम आगे या पीछे की तरफ मतलब कहीं पे भी जा सकता है, इसी का भी कोई अंदाजा नहीं है। आज का प्लान मतलब बिल्कुल अनप्लान ट्रिप, और इस ट्रिप का मजा आप भी लीजिए। तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे अभी, लेट्स गो भाई, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा ऐसे बकवास बकवास बात करते हुए। तो गाइस, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, दिस इज द सोकीघाट ब्रिज, और ये मतलब ऐसे जामोगुरी बाईपास, इधर से आते हैं जामोगुरी बाईपास होके। आपको पहले भी एक वीडियो में मैंने शायद दिखाया था ये वाला ब्रिज। तो गाइस, अभी जाते हैं तो पहले तेजपुर में कुछ दवाई लेते हैं। मैंने बोला बहन का कुछ मतलब स्किन डिजीज हो रहा है, उसके लिए थोड़ा दवाई लेना है, उस वो दवाई लेते हैं। हम दोनों जाने के लिए बिल्कुल रेडी, चलो भाई लेट्स गो। तो मेरा दोस्त फिलहाल हम अभी है तेजपुर में, और इधर का हम सारा काम वाम मतलब निपटा चुका है, मेडिसिन वगैरह ले लिया। अभी हम जा रहे हैं हमारा बाइक की, और बाइक उधर पे पार्किंग करके रखे, और बाइक लेके हम निकलेंगे हमारा डेस्टिनेशन में। जिधर तक पहुंचने के लिए हमको लगभग मतलब एक घंटा तो एक से डेढ़ घंटा लग सकता है। तो ये है अभिषेक, अभी 2 घंटा लगेगा क्योंकि अभी 250 बजा है ना। तो अभी निकलते निकलते 3 बज जाएगा, उसके बाद जाते जाते पकड़ लो डेढ़ घंटा जगह सगह ढूंढने में, और आधा घंटा 2 घंटा पूरा लगेगा। हाँ, दो घंटे में हम मतलब पहुंच जाएंगे। तो हम अभी फिलहाल जाने के लिए हो चुका है पूरा रेडी। तो भाई चलो इधर से आप हम निकलते हैं और मिलते हैं रास्ते में, लेट्स गो ब्रो। फिलहाल अभी हम जस्ट क्रॉस करके आए हैं कोल्याहुमरा ब्रिज, और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, दिस इज द कोल्याहुमरा ब्रिज। तो भाई हमने तो इतना लंबा सफर किया, लेकिन अभी तक आप सबको बताया नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, जो की है असम का एक फेमस नेशनल पार्क। और उस नेशनल पार्क में आपको बहुत ही मतलब धांसू वाला धमाका वाला सीन देखने को मिलेगा। उधर पे आपको देखने को मिलेगा 109 हाथी, साथ ही साथ बहुत ही मतलब जंगली वाला एनिमल। तो गाइस, ये सब मिस ना करें, और वीडियो को बहुत ही लास्ट तक देखें, मतलब वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही एक कमाल वाला सीन आप सभी को देखने को मिलेगा। काफी से का पाई देखो पूरा एकदम सर, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है गाइस। तो बिल्कुल देखते रहिए भाई साहब, बहुत मजा आने वाला है। काजीरंगा जाने वाले आप लोग, एक्सप्लोर कराने वाले काजीरंगा, बहुत मजा आएगा भाई साहब, देखते रहिए। तो भाई आप सभी को एक चीज देखा देता हूं, मेरा आगे का टायर का हालत देखो भाई, बिल्कुल बिल्कुल घिस गया भाई। देखो इसका सामरा निकल गया भाई, इसका भाई क्या निकल गया देखो भाई। ओ माय गॉड, लेकिन फिर भी हम इसको नहीं चोरा चलाते रहेंगे भाई जब तक ये ना फटे। तो पता नहीं ये आज फटे ना कल फटे, लेकिन जरूर फटेगा। अगर भाई इसी तरह करके ये फट गया तो इससे ज्यादा हमारा फटेगा भाई। भाई चलते हैं, हम भगवान का नाम लेके इसका कोई मतलब हमें कोई भी दिक्कत के सामने करना ना पड़े। ये जो आप रोड देख रहे हैं, नेशनल हाईवे ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर से जाते हुए हाईवे जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर से। तो आते आते हमको एक बहुत ही खूबसूरत सीन देखने को मिला। तो आप लोगों को मैं सामने से दिखा तो नहीं पाऊंगा, शायद उधर पे जाने से वो तो भाग जाएगा। वो जो आप दिख रहे हैं ना उधर पे बकरी जैसा, वो हिरन है,
तो गाइस उधर पे घास खा रहा है, तो उधर पे जाने से तो वो लोग वो तो भाग जाएगा ना, तो उधर से उधर पे जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम थोड़ा कोशिश करेंगे उधर उधर पे जाने के लिए। लेट्स गो ब्रो। लेकिन वो दिख रहा है हमको टुकुर टुकुर करके, अब देखो तो दिख रहा है हमको, तो हमारा फोन से इतना अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये सब जो प्रोहिबिटेड साइट्स है, तो गाइस इधर से इधर पे मतलब घुसने से थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ऑफिशियल कुछ कंसर्न होता है ना इस इन सब जगह में, मतलब ऐसे घुसने नहीं देता है, तो ऐसे आप देख सकते हैं उधर पे। ओ माय गॉड, हिरन। और पीछे की मेरा पीछे की तरफ जो ये सब जो जंगल है देखने में बिल्कुल, ओ माय गॉड, ये लगता है ऐसा कि इधर पे कोई भूत भूत रहता होगा भाई, इतना एक बड़ा सुनसान जंगल। और इसी को बोला जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। और एक बताता हूँ भाई, हमको मतलब आज इधर ही कहीं पे रहना पड़ेगा, रुकने का जुगाड़ करना पड़ेगा। हमारे बैग में कुछ अभिषेक लाया है, उसका घर से आया हूँ जो, तो गाइस इसीलिए हम देखते हैं इधर पे कहाँ हम जुगाड़ लगा सकते हैं, हम कहाँ रुक सकते हैं। तो गाइस इधर पे और उस साइड पे थोड़ा बहुत लोकल आदमी भी है, हम लोकल से बात करेंगे, लोकल का साथ रहने के लिए कोशिश करेंगे। और भाई इन सब जगह को देख के ना थोड़ा मतलब दिल धक धक होता है भाई। ये आप देख सकते हैं टाइगर जॉइन हैंड्स टुगेदर टू सेव टाइगर, तो भाई ऐसा ही कुछ इधर पे आपको साइन बोर्ड भी देखने को मिलेगा। तो आप हम इस जगह से निकल रहे हैं, तो कैसी जगह में जा रहे हैं, तो अभी से एक बाइक चला रहा है, वो बाइक निकालेगा अभी। आप हम जाएंगे इस साइड पे जो, और अभी जो भाई टाइम हो रहा है लगभग मतलब 4:30 हो चुका है, मतलब थोड़ी देर बाद ही अंधेरा भी होने वाला है, हमको सारा काम जल्दी जल्दी निपटाना होगा, हमको जगह जल्दी ढूंढना होगा हम कहाँ पे रुकेंगे आज के लिए, तो वैसे ये सब काम हमारा बाकी है। तो आज हमारा जुगाड़ क्या होगा, कहाँ रुकेंगे वो तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन रुकेंगे, लेकिन जो भी वो बहुत मजा आने वाला है, और फर्स्ट टाइम होने वाला है ना ये। हाँ ये तो फर्स्ट टाइम, मतलब आज एक कैंपिंग जैसा भी होगा ना, एक अनजाने जगह में कैंपिंग। तो भाई इस बैग में जो है हमारा कैंपिंग का सामान भी है, हमारा कैंपिंग टेंट वगैरह सब कुछ बैग में है। तो लेट्स गो ब्रो इस साइड, और देखेंगे आज का रात में क्या होता है। हो लेट्स गो। तो गाइस हमको आते आते और एक चीज दिखा, मैं जो उस टाइम बोल रहा था वन हॉर्न राइनो के बारे में, वन हॉर्न राइनो हमको देखने को मिला उस वाले जंगल में। तो गाइस हम उधर तक जा रहे हैं, हमारा बाइक उधर ही पार्क करके रख दिया। तो गाइस लेट्स गो, हम वन हॉर्न राइनो को देखते हैं। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला इस वाले फिल्म में ही हमको देख गया था उस टाइम वन हॉर्न राइनो। तो हमको पता नहीं अभी हम उसको देख पाएंगे कि नहीं, तो लेट्स गो ब्रो, कोशिश करते हैं उसको देखने के लिए। तो गाइस चलो, और आपको भी दिखाएंगे वन हॉर्न राइनो, बहुत ही बड़ा सा दिख गया था मुझे भाई। जो उधर पे ओ वाला व्हाइट व्हाइट वाला चीज दिख रहा है ना, वही है वन हॉर्न राइनो। तो एक बात ही खराब हुआ, अभी जो टाइम है मतलब शाम हो गया ना, तो इसलिए वो हम उसका सामने जाके देख नहीं सकता। और कभी कभी वन हॉर्न राइनो जो है, राइनो है, और इस मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क में जितना भी एनिमल्स वगैरह होता है वो सब इस वाले मतलब ऐसे सामने सामने आ जाता है कभी कभी, रोडों के किनारे में आ जाता है, तब तो देखने के लिए हमको बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन गाइस अभी तो कोई मतलब अभी तो वो बहुत ही अंदर है ना, तो गाइस अभी हम और देख नहीं सकता। तो गाइस और भी बहुत ही टाइम है हमारे पास, कल भी हम इधर ही है, तो गाइस कल पूरा फुल एक्सप्लोर करेंगे। और अभी चलो इधर से भी चलते हैं, अभी तो वन हॉर्न राइनो देखना भी हमारा हो गया, लेकिन पूरी तरीके से हम देख नहीं पाया। फिर वो इधर पे आटे आटे हमको एक बहुत ही भयंकर बिल्डिंग देखने को मिला। तो गाइस ये जो आप मेरे पीछे की तरफ बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक पहले होटल था, इधर पे आदमी रहा करता था, लेकिन गाइस लॉकडाउन जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, पहले वाला लॉकडाउन, उसी लॉकडाउन की वजह से ये जैसे कि क्लोज हुआ, और अभी तक ये बिल्डिंग क्लोज ही हो गया। तो गाइस इधर पे अभी दो चार आदमी ऐसे वर्कर रहता है, तो गाइस मैंने पूछा था हमको रहने के लिए देगा क्या, लेकिन गाइस थोड़ा रिक्सी होगा, और मतलब इधर का बाहर ना आप सो नहीं सकते, बाहर में आप टेंट लगा लो, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही इधर पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इधर पे बहुत ही राइनो हो या हाथी वगैरह बहुत ही ज़्यादा आता है। और गाइस इस वाले बिल्डिंग में हमको रहने के लिए देगा, लेकिन हमको मतलब जो ऑफिसर होता है, ऑफिसर रेंजर ऑफिसर सर से हमको परमिशन लेने पड़ेगा, जो कि अभी इधर पे है नहीं। तो गाइस हम इतना रिक्स लेके इधर पे रुक नहीं सकते कि पूछूंगा उसके बाद हमको आएगा बोलेगा कि रोको या नहीं रोको। तो गाइस इतनी हम इधर पे रुकने के लिए मतलब इतनी हम रिक्स नहीं लेंगे, इधर पे इतनी देरी नहीं रुकेंगे। तो गाइस देखते हैं क्या होता है आगे की तरफ। तो गाइस इस होटल का स्ट्रक्चर देखिए, इस होटल का पहले जो हुलिया देख के लगता है कि पहले ये होटल बहुत ही लग्जरी था, लेकिन अभी के टाइम में इस होटल का लग्जरी गया तेल लेने, बिल्कुल एक भुटिया का घर हो गया, मतलब भूत का घर बन गया शायद। तो गाइस देखिए लगता है कि इधर पे बहुत ही सारा भूत भूत आत्मा वगैरह होगा भाई। ओ माय गॉड।
लेकिन इस घर का मतलब देख के तो इतना हमको डर नहीं लग रहा है, लग रहा है ऐसे कुछ यूनिक जैसा लग रहा है, मतलब बहुत ही एक कमाल वाला ढांचू वाला लग रहा है। और इस घर में रहूँगा तो हमको एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है अगर रहूँगा तो। गाइस देखते हैं हम इधर पे रह पाऊँगा या नहीं। ये सब देखने से पहले आप सभी को मैं बता देता हूँ कि आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल में ऐसा ही धांचू वाला वीडियो आता है भाई। डू सब्सक्राइब अभी क्या भी करो। तो अभी हम इस घर को बोलते हैं अलविदा, इस घर से हम अभी जा रहे हैं। तो इस घर के भरोसा हम आज रुक नहीं सकते ना, रात को अगर ना भी बोल देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए हम जा रहे हैं दूसरी एक साइड ढूंढने के लिए, लेट्स गो। तो मेरे दोस्त हम बहुत ही घूमते फिरते हुए आके पहुंच चुका हूँ एक रेस्टोरेंट के अंदर। तो गाइस दिस इज द रेस्टोरेंट, उस साइड आप देख सकते हो वो है रेस्टोरेंट, और उधर पे हमने चाय वाय पिया। और एक बहुत ही दुख का बात, मैंने आज चार्जर लाना भूल गया और अभी मेरा फोन में जो है 6% चार्ज, सिर्फ 6% चार्ज। तो गाइस मेरा फोन बहुत ही जल्दी डेड भी होने वाला है। तो गाइस इसी के चलते हुए हम इस वीडियो को करते हैं भी ख़त्म। और गाइस मैं सोचा था गाइस कि रेस्टोरेंट का थोड़ा व्यू बहुत कुछ थोड़ा बहुत कुछ दिखा दो, लेकिन मेरा फ़ोन मेरा साथ नहीं दिया और हम चार्जर लाना भी भूल गए। जैसे कि मैंने बताया एक अनप्लान ट्रिप था, इसी की वजह से मैंने चार्जर भी नहीं लाया और घर पे नहीं गया। घर पे जाने से मतलब दोपहर हानि नहीं देता, और ये थोड़ा बहुत नाच रहा है इधर पे आके। तो भाई जगह जो है ना बहुत ही सुंदर जगह है, मतलब कल सुबह अगर पॉसिबल हो सके तो आप लोगों को ये जगह दिखाऊंगा, बहुत सुंदर जगह है यार। बहुत और उस तरफ एक ट्री हाउस भी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ उस तरफ एक ट्री हाउस है। तो आप देख सकते हो जो लाइटिंग वो होकर रखा है ना, तो दिस इज ट्री हाउस। तो देखते हैं क्या होता है मेरा साथ, मतलब कल तक मुझे कोई चार्जर वगैरह मिलेगा कि नहीं। अगर मिलेगा आज रात को कहीं भी अगर जुगाड़ वगैरह हो जाए कुछ तो अच्छा होगा। और मेरा आज हम आज कहाँ पे स्टे करने वाला है वो भी बता देते हैं। तो गाइस हम इधर पे ही रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कुछ हमको जुगाड़ देने के लिए, तो गाइस बोला कि हाँ कुछ तो कर देंगे। इसने पूछा, मैं बोला मतलब हाथ जोड़ के बोला भाई रूम दे दो, तो वो भाई भी बहुत अच्छा है, मतलब हाँ। एक बार बोला भाई कि ऐसे करके यहाँ पे मतलब थोड़ा रिस्क भी होता है क्योंकि एलिफेंट वेलिफेंट आता है, तो मैं बोला सर प्लीज हेल्प कीजिए, तो बोला ठीक है हेल्प कर देंगे। एक रूम दिया हम लोगों, मतलब वहाँ पे टेंट वेंट लगा पाएंगे, और मतलब हमने बोला कुछ अगर जैसे कि आजकल का दिन बहुत खराब है ना, तो हम लोग अगर आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए, तो भैया ने बोला नहीं चाहिए, आप रहिए अच्छे से रहिए, और क्योंकि यहाँ पे बाहर नहीं रह सकते ना, एलिफेंट वेलिफेंट आता है, इसके लिए थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन भाई ने बहुत हेल्प किया। मतलब वही एक इधर पे बहुत ही रिस्क का बात हो जाता है, ऐसे तो आपने देखा है हमको पहले वीडियो में, हम तो जहाँ पे भी जाते हैं मतलब डिपो में वगैरह रास्ते के किनारे भी रह जाते हैं टेंट लगा के, लेकिन गाइस इधर पे एक बहुत ही रिस्क का बात, इधर पे मतलब जो जंगली जानवर होता है, वन हॉर्न राइनो हो गया आपका, हाथी हो गया, ये सब मतलब किसी भी टाइम पे इधर पे निकल सकते हैं रात के वक्त, और रात में निकलता है। और यहाँ पे और एक बात है कि जगह बहुत सारा है, मतलब बहुत सारा जगह है जहाँ की आप टेंट लगा पाओगे, लेकिन यहाँ पे टेंट लगाना मतलब कल सुबह आप देख नहीं पाओगे, मतलब ऊपर चले जाओगे मतलब। और मेरा दोस्त मेरा फोन में तो अभी 2% सिर्फ चार्ज बसा है। तो गाइस अभी हम खाना खा लेते हैं इधर पे, और खाना खाने के बाद हम सोएंगे। तो गाइस ये सब तो हम आज मतलब दिखा नहीं पाएंगे, तो इसके लिए सॉरी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भी कल सुबह को, देखते हैं कल सुबह तक मैं क्या जुगाड़ कर पाता हूँ। तो लेकिन गाइस अभी तक तो मुझे कोई जुगाड़ नहीं मिला, तो गाइस पहले हम खाना खा लेते हैं उसके बाद सोते हैं। गुड नाइट, इस वीडियो को करते हैं भी ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और मेरा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो बाय बाय काजीरंगा से आज, बाय बाय, और कल सुबह भी हम काजीरंगा से वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखो इस वीडियो के साथ साथ। बाय।